नमस्कार, मैं प्रभात कुमार राजन। अभी मैं धुरवा डैम पर हूँ। धुरवा डैम में पिछले बार वर्षा ग्रहण क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण एवं अन्य कारणों से यहाँ पर पानी नहीं भरा संग्रहित हो पाया। डैम में पानी काफ़ी सूखा है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाने के लिए आए हुए हैं। ये धुरवा डैम में फाटक के पास आए हुए हैं, तो ये यहाँ देखिए, ये रेलिंग वगैरह, ये पूरा चालू सड़क भी है। ये देखिए रेलिंग, ये रेलिंग पूरी टूटी हुई है, रेलिंग ये पूरी टूटी हुई है। और ये इस तरफ अगर चारों तरफ देखते हैं तो आगे बढ़ते कभी भी दुर्घटना हो सकती है। रात बिरात दिन रात हमेशा गाड़ियां आती जाती रहती है। ये यहाँ पर भी रेलिंग टूटी हुई है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कोई भी एक गाड़ी पलट कर गिर जाएगा नीचे तो कभी भी घटना हो सकती है। ये इस तरफ भी देखिए, इस तरफ का भी जो रेलिंग है ये टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये पूरा लंबा दूरी तक रेलिंग टूटा हुआ है। और ये फाटक है, फाटक की स्थिति देखिए, ये पूरा सब डैमेज है। पिछला दो साल पहले जब पानी पूरा भर गया था तो फाटक खोलने की स्थिति में नहीं था। ये अगर नीचे जा कर देखते हैं तो इस समय बढ़िया है कि इस समय अगर प्रयास किया जाता तो इसमें फाटक के नीचे पानी है, जहाँ से फाटक खुलता है उसके नीचे पानी है। तो अगर प्रयास होता तो होगा तो ये फाटक भी का भी मरम्मत हो सकता है। ये देखिए, ये सारा फाटक का ये स्थिति, यहाँ पर भी रेलिंग टूटा हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है रेलिंग। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा झुक कर देखते हैं तो यहाँ पर भी ये फाटक की स्थिति देखिए, वो वहाँ टूटा हुआ है सारा कुछ। ये धुरवा डैम का फाटक का रेलिंग वगैरह, ये देखिए गाड़ियाँ लगातार आती जाती रहती हैं। कभी भी कोई बड़ी घटना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेलिंग टूटा हुआ है। आगे भी देखिए, ये जब बना था डैम उसी समय का बना हुआ है, उसके बाद कोई मरम्मत नहीं हुआ है। बिहार जिस समय था उसी समय का है। और ये इस तरफ डैम की स्थिति देखिए, पानी तो खैर कम है ही। झारखंड सरकार को चाहिए कि धुरवा डैम में जो समस्याएं हैं उसका निवारण करने का प्रयास करें। ये यहाँ पर स्थानीय वार्ड पार्षद वार्ड 38 के दीपक कुमार लोहरा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये धुरवा डैम की स्थिति। पब्लिक न्यूज़ रांची के लिए प्रभात कुमार राजन।